Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Alnaba Shoukat. Welcome to enhance your knowledge. Previous lecture mein types of matrices humne discuss ki, first 6 types pad chuke the. Aaj 7th type hai negative of a matrix. Negative matrix kya hota hai? Agar hum ek matrix A le 1 2 3 4 इसी मैट्रिक्स को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें माइनस ए तो इसकी तमाम एंट्रीज माइनस के साथ आ जाएंगी साइन उसका चेंज हो जाएगा अगर वो पॉजिटिव में है तो वो माइनस के साथ आ जाएंगी और अगर वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर इसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि हमने पहले पढ़ा था नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ए इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 जीरो अगर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज क्या होता है रोज को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है ए के तो हम क्या कहेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए यही हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए के ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर इसका ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के इक्वल आए फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 इसका ट्रांसपोज लिए 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0 हमने कहा स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के इक्वल आए माइनस ए माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन आ गया 0 जिस वैल्यू के साथ माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में चला जाएगा 2 नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया -3 नेगेटिव यहां पे आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा -2 0 1 -3 1 and 0 ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है ए के लेकिन साथ में क्या आ रहा है माइनस तो हम क्या कहेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए यही हमने प्रूव करना था और यही है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है डायगनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स होता है डायगनल हमारे पास होता क्या है डायगनल इज अ स्लांटिंग डायरेक्शन फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट डायगनल एक हमारे पास तिरछी लाइन होती है जो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट आती है डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी डायगनल डायरेक्शन में एटलीस्ट वन एंट्री हमारे पास नॉन जीरो हो बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो तो ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा अब इस मैट्रिक्स में देखें डायगनल एंट्री नॉन जीरो हो बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो तो वो हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होता है द नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है अगर इसकी तमाम डायगनल एंट्रीज
एक जैसे हों, बट कीप इन माइंड आल डायगनल एंट्रीज शुड बी कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन, यानी जीरो और वन के अलावा आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू डायगनल एंट्रीज एक जैसी हों, हमने कहा कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो एंड वन से, बाकी हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं. एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बी इक्वल टू टू जीरो 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 एंड टू, ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है. और कंडीशन क्या है कि डायगनल एंट्रीज एक जैसी हों, डायगनल एंट्रीज एक जैसी हों तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. लास्ट वन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. इसकी तमाम डायगनल एंट्रीज वन हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू तमाम डायगनल एंट्रीज वन हो तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. इसके साथ ही हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट होती हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.